रास्ते में से क्यूट चीज होती है तो बताया करो। यहाँ फार्म पे धीरे धीरे ठंड होने लगी है और सुरीली जी जो है इनको पहनाई जा रही है स्वेटर ज्योति जी द्वारा। ज्योति ऐसा लग रहा है किसी डॉग की स्वेटर है ना। हाँ। आजकल सुरीली यहीं पे चिल कर रही है दोनों टाइम, फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब जैसे मौसम बिगड़ रहा है उस पे कांस्टेंट हमारी नजर रहे, इसलिए इसको सुबह और शाम और इसका इंटरेक्शन भी एनिमल्स के साथ हो, ह्यूमंस के साथ हो, इसलिए हम इसको यहीं रखते हैं। सुरीली के फेस पे उसकी बॉडी पे छोटे छोटे पैचेस आ रहे थे, मतलब उसके बाल वहां से जा रहे थे, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हैं जो बीमार हैं, किसी को कोई इन्फेक्शन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ऑल दो सुरीली किचन एरिया में ही रहती थी, वो पहले एनिमल एरिया में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी जब भी कोई उस तरफ किचन की तरफ जाता था तो ऑब्वियसली ये इतनी प्यारी है कि हर कोई इसको पेट करता था, गले लगाता था, प्यार करता था। ऐसा हो सकता है कि कई बार हाथ धोना मिस हो जाता होगा, और हाथ धो भी लिए तो कई बार कपड़ों में भी जर्म्स होते हैं। इसका ये भी था कि जब ये तो छोटी सी थी, जब इसकी माँ की डेथ हुई प्रॉपर इसको जो इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए होता है माँ के दूध से जो मिलते हैं वो मिले नहीं, मिनरल्स की इसके में कमी है, विटामिंस मिनरल्स, अब उसके लिए भी हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है, लेकिन ये भी एक कारण है इस चीज़ का, मेंज का। हमने इसकी ट्रीटमेंट हल्की सी चेंज भी की है अभी थोड़ी सी, हम इसको पोविडेन आयोडीन का सोल्यूशन डाइल्यूट करके पूरे बॉडी पे लगा रहे हैं, जिससे मैंने इतना तो देखा है कि ये अब जाके हर जगह इचिंग नहीं कर रही है, काफी सूदिंग इफेक्ट है इसका, तो अभी ये काफी रिलैक्स रहती है पहले से। सुरीली की मॉम तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सुरीली की मॉम से मेरा मतलब ये है कि उस कमल भाई, उसके जो केयर टेकर है, लेकिन हमारी गर्ल गैंग यहाँ पे है, हमारी एनरिचमेंट टीम यहाँ पे है। गरिमा जी को तो आप जानते हैं, ये हमारी एनरिचमेंट कोऑर्डिनेटर है, साथ ही ये निर्मल जी हैं जिन्होंने हमें हरियाणा से ज्वाइन किया है, ये वॉलंटियरिंग कर रही हैं हमारी एनरिचमेंट टीम के साथ। सुरीली के स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन सेंस के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? सुरीली हमारी फैशन पुलिस है, वो आती है और देखती है कि सब साफ है, साफ सुथरे, सबकी ग्रूमिंग हो रही है, सबको कंट्रोल करती है हमारी सुरीली। यहाँ पे एंट्री हुई है सुरीली की मॉम की, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। शुरुआत में जब सुरीली आपके पास आई थी आप सुपर एक्साइटेड थे कि वाओ एक नई बच्ची घर में आई है, नया मेहमान घर में आया है, नए नए आप मॉमी बने थे, तो अब कैसा चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है? कल का तो बड़ा अच्छा चला, कल इसकी वीडियो बनाई। अच्छा। वैसे थोड़ा सा तो होता है क्योंकि रात के टाइम सोने टाइम आगे कान और सर चाटती है तब दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा है ना कि अब मुझे कमल भाई के चेहरे पे वो थकान दिख रही है जो यूजुअली मदर्स के चेहरे पे होती है। यार बाय द वे खुशबू है, खुशबू भी हमारी वॉलंटियर है, आप सुरीली की तारीफ में कुछ बोलना चाहोगे? मैं इसको कोकोलो लगाती हूँ, बहुत जिद्दी बचिया है ये, बहुत चुलबुली भी बचिया है, हमें डॉग का नाम चेंज करके इसको रखना पड़ेगा चुलबुली। सुरीली में क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आए? पहले से थोड़ा शांत हुई है, जैसे पता रहता है मैं कब सो रहा हूँ, और तो उस टाइम पे 5 मिनट मेरे इधर घूमेगी इससे पता चल जाएगा कि मैं अब सो रहा हूँ, तो ये तुरंत जाके अपने बेड पे बहुत कम परेशान करती है। सुरीली भी कमल भाई की तरह ही सुपर निडर है, बैलों के सामने इसको कोई डर नहीं लगता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इसके यार दोस्त बन चुके हैं। हम यही होप करते हैं, और कमल भाई भी एज अ गुड मॉम ये होप करते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी स्किन कंडीशन ठीक हो जाए, और ये हेल्दी बेबी बनके यहाँ घूमे, है ना सुरीली? आपको सुरीली का ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय।